हेलो बच्चों, आज जो हम सॉल्व करेंगे वो है JCERT बुक का प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्न दिया हुआ है नंबर 1, -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। हर जैसे 30 दिया हुआ है तो हम वैसा परिमेय संख्या लिखेंगे जिसमें 30 आएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ हर दिया हुआ है, अंश को हमको निकालना है। -4/5 है बराबर, यहाँ 30 है तो हम यहाँ 30 लिखेंगे। तो भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर। तो यहाँ दिया हुआ है तब कितना से गुना करेंगे कि 30 आएगा, तो 6 से गुना करेंगे, 5 6 30, 30 आ गया। और ऊपर भी हम 6 से ही गुना करेंगे तो 6 6 24, तो यहाँ होगा माइनस है तो -24। अंश इसका 24, हर 30। उसी तरह नंबर बी है -45, तो फिर लिखेंगे भाई -4/5, -4/5। तो यहाँ लिखें -4/5 बराबर 45। अब हम कितना से गुना करेंगे कि 45 आएगा, तो हम 9 से गुना करेंगे वो -45, -9 से गुना करेंगे तो 9 5 45। ऊपर भी हम -9 से गुना करेंगे, 9 6 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर 36 आया, हर 45 आया। नंबर 2, -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। तो -36/60 बारह 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 दून छत्तीस, बारह तिया छत्तीस, बारह पंचे 60। तो इसका आंसर हो जाएगा -3/5, हर हो गया 5 आंसर। नंबर 3, दिया हुआ है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। -8/6 है, इसका मानक रूप लिखना है -8/6। तो इसको हम कटा देंगे, 2 4 8, 3 2 6 बराबर 4/3 आंसर हो गया, ANS आंसर माइनस। उसी तरह नंबर बी है, इसको भी हम लिखेंगे -12/30। इसको भी हम कटाएंगे, पहले 2 से कटाएंगे, 6 -6 यहाँ हो जाएगा 15। अब हम 3 से कटाएंगे, 3 2 6, 5 3 15। तो इसका भी आंसर हो जाएगा -2/5। उसी तरह सी नंबर, 16/-24, इसको हम कटाएंगे 2 से तो 8 हो जाएगा, इधर 12 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे इधर 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, -3 बराबर आंसर हो जाएगा 2/-3 आंसर। उसी तरह है डी नंबर, -28/-35, इसको हम कटाएंगे 7 से, 7 6 28, -7 5 35, तो इसका आंसर हो जाएगा -4/5। नंबर 4, निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है।
2/5 और 5/2, तो हम नीचे वाले का पहले लघुत्तम निकलेंगे, 3 और 2 का लघुत्तम निकलेंगे। पहले 3 से चलाएंगे, 3 एका 3 2, फिर 2 से चलाएंगे, 1 2, इसका एल सी एम हो जाएगा 3 × 2 = 6, एल सी एम हो जाएगा 6। तो 2/3 = यहाँ 6 LCM है, तो कितना से गुना करेंगे, 2 से, तो इधर भी 2 से गुना करेंगे, 2 × 2 = 4। उसी तरह 5/2 है, तो यहाँ लिखेंगे 5/2 = यहाँ 6 है, तो कितना से गुना करेंगे, 3 से, 3 × 6, तो ऊपर भी गुना करेंगे 3 से, 5 × 3 = 15, इसका हो जाएगा 4/6, 15/6। तो यहाँ लिख लेते हैं बड़ा, बड़ा में चिन्ह इस तरह होता है, छोटा, छोटा का चिन्ह इस तरह होता है, तो बड़ा हुआ 15/6, तो चिन्ह हो जाएगा इस तरह। उसी तरह 2 नंबर हम देखेंगे, नंबर बी -1/2 और 0 है, तो 0 ये बड़ा हुआ, 1/2, 0 छोटा हुआ। इधर है माइनस, नंबर सी -2/5 और 0, -2/5 और 0, तो यहाँ माइनस है इसलिए बड़ा हो जाएगा, -2/5 छोटा हो जाएगा, 0 बड़ा हो जाएगा, तो इसका चिन्ह हो जाएगा इस तरह। नंबर डी -4/7 और 4/7 है, तो इसमें माइनस है इसलिए ये छोटा हो जाएगा, 4/7 बड़ा हो जाएगा, तो 4/7 बड़ा। उसी तरह नंबर ई है -5/6 ये, और -3/4 ये जरा बड़ा है, तो इसका इसका हम लघुत्तम निकलेंगे, 6 और 3 का लघुत्तम निकलेंगे, एलसीएम 6, पहले 3 से चलाएं, 3 × 6, 3 एका 3, फिर 2 से चलाएंगे, 2 एका 1 1, एल सी एम 3 × 2 बराबर हो जाएगा 6। तो यहाँ हम लिखेंगे -5/6, यहाँ लाना है गुना कितना से करेंगे, तो यहाँ 6 आएगा, तो 1 से गुना करेंगे, 1 से 1 से, तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया माइनस। उसी तरह -4/3 बराबर यहाँ 6 लाना है, तो 3 में कितना से गुना करेंगे, 6 आएगा, तो 2 से, तो इसे 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से, 4 × 2 = 8 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -5/6 और इधर हो जाएगा -8/6, तो बड़ा हो जाएगा -5/6, तो इसमें लिखाएगा -5/6 -4/3, तो बड़ा हो जाएगा इधर। नंबर 5, संकेत छोटी बड़ी और बराबर में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो नंबर ए दिया हुआ है -3/7 ... 2/3,
तो इसमें माइनस 3/7 है, इसलिए ये छोटा हो जाएगा माइनस 2/3 से। तो इसका चिन्ह लगेगा इस तरह, ये है बड़ी का चिन्ह। उसी तरह आप बी नंबर है, -2/3 ... -8 है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, -2/3 ... -8 है। तो इसका हर हर में -8 है, इस माइनस को हटाना है, इसलिए -1 से गुना करेंगे। तो -2/3 ... -8 अपना -1 ( -1 बराबर हो जाएगा -2/3 ... गुना करेंगे तो होगा इसका -5 ( -8 -5/8 हो जाएगा। तो हर हर को हम एलसीएम निकलेंगे, तो 3 और 8 का हम एलसीएम निकलेंगे। तो 3 से चलेगा, 3 का 3, 8 नहीं चलेगा तो 8 उतार देंगे। फिर अब 8 से चला देंगे, 1 का 8 का 8, 1 सॉरी। तो एलसीएम होगा इसका, एलसीएम इसका हो जाएगा 3 × 8 = 24। तो पहला वाला देखते हैं, -2/3, और यहाँ हर 24 है, तो यहाँ 24 लाना है, यहाँ हर 24 है। तो कितना से गुना करेंगे तो 24 आएगा 3 में, तो 8 से गुना करेंगे तो 24 हर। अब अंश में भी 8 से गुना करेंगे तो -2 × 8 = -16 हो जाएगा। उसी तरह दूसरा वाला देखें, -5 है, -5/8 बराबर यहाँ 24 लाना है, हर में कितना से गुना करेंगे, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो 8 × 24। ऊपर भी 3 से गुना करेंगे तो -5 × 15, दोनों को लिखेंगे, 15/24 ... -15/24, ओ सॉरी यहाँ 16/24 है, यहाँ 16/24 होगा। तो इसमें माइनस दोनों अंश में है, इसलिए 15/24 बड़ा हो जाएगा, हर हर समान है, इसलिए -2/3 = 5/-8। तो ये बड़ा हो जाएगा -5/-8 बड़ा हो जाएगा। नंबर सी देखेंगे, 0 ... -5/6 है, तो 0 और इधर -5/6 है, 6 है, इसलिए 0 बड़ा हो जाएगा। नंबर डी देखेंगे, -2/-3 है, तो यहाँ हम लिख चुके हैं -2/3, तो माइनस माइनस कट गया, इधर 0 बचा, तो बड़ा हो जाएगा 2/3। -2/11 ... -3/22 है, तो इसमें देखना है कौन बड़ा है, -2/11 ... -3/22। तो 11 और 22 का हम पहले हर हर का
एलसीएम निकलेंगे लघुत्तम, 11 और 22 का लघुत्तम निकलेंगे 2 से और 11 से, 11 दुनी 22। अब एलसीएम हो जाएगा 11 × 2 बराबर 22। एलसीएम मेरा 22 निकला, तो पहली संख्या को लिखेंगे -2/11। अब हर 22 है तो 22, अब 11 में हम कितना से गुना करेंगे, 22 आएगा तो 2 से गुना करेंगे, 11 × 2 = 22, तो ऊपर भी हम हर को 2 से गुना करें अंश को, तो 2 × 2 = 4, तो -4/22। इसी तरह दूसरा स्टेप का भी हम लिखेंगे -3/22 बराबर हर 22 है 22, तो हम 22 को कितना से गुना करेंगे, 1 से, तो ऊपर भी हम गुना करेंगे -1 से, तो -3 आ जाएगा। तो -4/22 -3/22, इसमें से हर हर बराबर है, अंश -4 है और अंश -3 है, तो इसमें छोटा वाला बड़ा, जब भी छोटा वाला होता है वो बड़ा होता है, तो ये उसका बड़ा हो जाएगा -3/22। तो इसमें भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं -2/11 -3/22, तो हो जाएगा -3/22 बड़ा इससे। अब हम सॉल्व करेंगे एफ नंबर, तो एफ नंबर है 1/-3·-1/4, तो हर हर में माइनस रहने से हटाना है, तो -1 से हम गुना करेंगे, तो -1/-3·-1·-1, तो हो जाएगा -1/-+3, तो हो जाएगा -1/3·-1/4। अब 3 और 4 का हम लघुत्तम निकलेंगे, 3 और 4 का हम लघुत्तम, 3 से, 3 × 3 = 4, और फिर हम 2 से चलें, 2 × 2 = 4, तो लघुत्तम एलसीएम हो जाएगा 3 × 2 × 2 बराबर 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 हो गया। तो पहला स्टेप हम देखेंगे -1/3, तो एलसीएम 12 है, तो 12 हमको लाना है, बराबर 12 है, तो 3 में हम हर में कितना गुना करेंगे, तो 12 आएगा, तो 4 से गुना करेंगे, तो 4 × 3 = 12, तो ऊपर भी हम 4 से गुना करेंगे, गुना 4, तो हो जाएगा -4/12। अब दूसरा स्टेप भी लिखेंगे उसी तरह, -1/4 बराबर एलसीएम 12 है, तो यहाँ हम 12 लिखेंगे, अब कितना से गुना करेंगे, तो 12 आएगा, तो हम इसको गुना करेंगे 4 × 3 = 12, 3 से, 3 से गुना करेंगे 12, तो ऊपर भी हम गुना करेंगे 3 से, तो हो जाएगा -3, -4/12 −3/12, तो हर हर बराबर हो गया, अंश -4 है -3 है, कभी भी माइनस में छोटा संख्या बड़ा होता है, तो -3/12 बड़ा होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे ऊपर वाला -1/3 और -1/4 में बड़ा है -1/4, तो 1/4, 1/3,
तो बड़ा है ये 1/4 आंसर। अगले वीडियो में हम 6 से 12 नंबर तक सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।